दोस्तों, इस हफ्ते के आखिरी टेक न्यूज एपिसोड में आपका स्वागत है। हर हफ्ते का आखिरी टेक न्यूज एपिसोड जो कि होता है सैटरडे को, वो इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता क्योंकि न्यूज भी कम होती है और इतनी अच्छी न्यूज भी नहीं होती इसीलिए। लेकिन आज का एपिसोड काफी मसालेदार होने वाला है क्योंकि आज मेरा बर्थडे भी है और आज मैं आपके लिए काफी अच्छी अच्छी न्यूज लेकर आ चुका हूँ। पहली न्यूज माइक्रोमैक्स के बारे में है और ये न्यूज माइक्रोमैक्स के नए स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स इन नोट 1 प्रो के बारे में है। रिपोर्ट्स की माने तो ये स्मार्टफोन इंडिया में इसी महीने लॉन्च होने वाला है और कुछ लीक्स की माने तो ये स्मार्टफोन सितंबर के आखिरी हफ्ते यानी कि 4th week of September को लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। इस स्मार्टफोन के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन मुझे जैसे ही कोई डिटेल्स मिलेगी मैं आपको बता ही दूंगा। क्या आप लोग माइक्रोमैक्स इन नोट 1 प्रो के लिए एक्साइटेड हो तो वो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस, वीवो X70 सीरीज चाइना के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है और वीवो X70 सीरीज अब ग्लोबल मार्केट में काफी जल्द लॉन्च होने वाली है। अगले हफ्ते लॉन्च हो जाएगी वीवो X70 सीरीज ग्लोबल मार्केट में। और गाइस, लीक से ऐसी जानकारी मिली है कि वीवो X70 सीरीज इंडिया में 20 से 30 सितंबर के बीच में ही लॉन्च होने वाली है इंडिया में, यानी कि काफी जल्द वीवो X70 सीरीज लॉन्च हो जाएगी इंडिया में। और गाइस, लीक से ऐसी भी जानकारी मिली है कि वीवो X70 सीरीज के स्मार्टफोन्स की प्राइस वीवो X60 सीरीज जैसी ही होने वाली है, यानी कि वीवो X60 सीरीज जिस प्राइस पर लॉन्च हुई थी इंडिया में उसी प्राइस पर वीवो X70 सीरीज भी इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। 3000 रुपए की प्राइस रेंज में OnePlus Buds Z अभी के समय में वन ऑफ द बेस्ट TWS ईयरबड्स है। लेकिन गाइस, OnePlus Buds Z का अब सक्सेसर OnePlus काफी जल्द लॉन्च करने वाला है, OnePlus Buds Z 2। ऐसी जानकारी मिली है कि अगले महीने इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे और ऐसी जानकारी मिली है कि ये ईयरफोन्स 3 से 4 हजार रुपए की ही प्राइस रेंज में लॉन्च होने वाले हैं इंडिया में। और गाइस, इन ईयरफोन्स के रेंडर्स भी सामने आ चुके हैं जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इन रेंडर्स से हमें यह पता चल जाता है कि OnePlus Buds Z 2 भी एक फुल इन ईयर स्टाइल डिजाइन वाले ही ईयरफोन्स होने वाले हैं, लेकिन इनकी डिजाइन थोड़ी डिफरेंट होने वाली है OnePlus Buds Z के कंपेयर में। क्या आप लोग OnePlus Buds Z 2 के लिए एक्साइटेड हो तो वो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और गाइस, अगर आप लोग मुझे बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, थोड़े दिन पहले मैंने आपको ये बताया था कि iQOO का नया स्मार्टफोन iQOO Z5 5G इंडिया में काफी जल्द लॉन्च होने वाला है। मैंने आपको बताया था कि iQOO Z5 5G स्मार्टफोन इंडिया में इसी महीने लॉन्च होने वाला है। और गाइस, इस स्मार्टफोन को आज मिल चुका है 3C सर्टिफिकेशन और इस सर्टिफिकेशन से ये कंफर्म हो जाता है कि इस स्मार्टफोन में हमें 44W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलने वाला है। और गाइस, ये स्मार्टफोन इंडिया में इसी महीने लॉन्च होने वाला है। और गाइस, आज की आखिरी न्यूज सैमसंग के बारे में है। तो सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G स्मार्टफोन काफी जल्द लॉन्च होने वाला है और ये स्मार्टफोन काफी डिले भी हो गया है। अगस्त के महीने में ये लॉन्च होने वाला था, लेकिन अब ये स्मार्टफोन अक्टूबर एंड में लॉन्च होगा। और गाइस, इस स्मार्टफोन के स्नैपड्रैगन वेरिएंट को मिल चुका है गूगल प्ले कंसोल वेबसाइट पर लिस्टिंग, मैंने आपको वो बताया था। लेकिन आज इस स्मार्टफोन के एक्सिनोस वेरिएंट यानी कि एक्सिनोस 2100 वेरिएंट को भी मिल चुका है गूगल प्ले कंसोल वेबसाइट पर लिस्टिंग। और गाइस, इससे ये कंफर्म हो जाता है कि इस स्मार्टफोन का एक्सिनोस वेरिएंट भी सैमसंग लॉन्च करने वाला है। रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया में सैमसंग सिर्फ एक्सिनोस वेरिएंट को ही इंडिया में लॉन्च करने वाला। तो दोस्तों, आज की टेक न्यूज खत्म होती है। वीडियो पसंद दया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले हफ्ते और भी काफी सारी टेक न्यूज के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।